नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल जलंधरा है। मैं आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चरल हब में करता हूँ। आज मैं आप सबके साथ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर भी इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा। तो शुरू करने से पहले लाइफ स्टॉक के बारे में थोड़ा जानते हैं। लाइफ स्टॉक क्या है? लाइफ स्टॉक वो फार्म एनिमल है जो कि फार्म पर एक एसेट्स के रूप में काम करते हैं, जो फार्म की इनकम जनरेशन में हेल्प करते हैं। लाइफ स्टॉक के अंदर कैटल, बफेलो, हॉर्स, पिग्स, ये सब कुछ आता है। और प्रोडक्शन मीन्स इट्स ब्रीडिंग, जो इसकी आगे पीढ़ियाँ बढ़ाता है, दैट इज़ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट इसकी टेकिंग केयर, तो उन सभी एस्पेक्ट से हम डील करेंगे जो कि लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड इसकी टेकिंग केयर में हेल्पफुल होंगे। इन स्लाइड्स में हम डील करेंगे सिग्निफिकेंस, लाइफ स्टॉक का क्या सिग्निफिकेंस है, पोल्ट्री का इंडियन इकोनॉमी में क्या सिग्निफिकेंस है, रोल्स क्या हैं लाइफ स्टॉक के इंडियन इकोनॉमी में। फिर ये देखेंगे कि कौन सा लाइफ स्टॉक कहाँ डोमिनेंट कर रहा है, और कैटल, बफेलो, सीप, गोट, इन सब की ब्रीड्स के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और इन लास्ट पोल्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी। सो फ्रेंड्स, जो पहला सेंसस था लाइफ स्टॉक का, वो 1919 और 20 में कंडक्ट किया गया था, और उसके बाद हर 5 साल में ये कंडक्ट होने लग गया। जो अभी जो सेंसस हुआ है 2017 में, जिसकी रिपोर्ट अक्टूबर 2018 में आई है, वो था 20th लाइफ स्टॉक सेंसस। उससे पहले 19th लाइफ स्टॉक सेंसस था, वो 2012 में था। तो इस स्लाइड में हम थोड़ा सा कंपैरिजन के थ्रू चार्ट पढ़ेंगे और डाटा को समझने की कोशिश करेंगे। तो इन 20th लाइफ स्टॉक सेंसस जो कंट्रीब्यूशन था, सबसे ज़्यादा कैटल का था। पॉपुलेशन वाइज लाइक 35.94% कैटल थी, गोट 27.80%, बफेलो 20.45%, सिप 13.87%, एंड जो पिग्स थे वो 1.69%। जो माइनर जो कंट्रीब्यूशन रहा, वो मिथुन, याक, हॉर्स, पोनीज, म्यूल्स, डंकीज एंड कैमल, जिनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन रहा 0.23% टोटल लाइफ स्टॉक में। अगर हम टेबल की ओर देखें फ्रेंड्स, तो एक है 2012 लाइफ स्टॉक सेंसस, एंड एक है करंट का 2019 लाइफ स्टॉक सेंसस। जो कंपैरिजन है कैटल का, 2012 के सेंसस में 190.90 मिलियन रहा, और ये बढ़कर इसमें ग्रोथ देखी गई 0.83% की, तो ये पॉपुलेशन हुई 192.49। जो बफेलो थी वो 2012 में 108.70 मिलियन थी, जो बढ़कर 2019 के सेंसस में 109.85 हुई, जिसमें 1.06% की ग्रोथ हुई। सिप हैं, वो 65.07 मिलियन थे इन 2012, जो बढ़कर 74.26 मिलियन हो गए 14.13% की ग्रोथ के साथ। गोट जो 2012 में 135.17 थी, वो 2019 में 148.88 मिलियन हो गई, जो कि 10.14% की ग्रोथ के साथ। पिग्स जो 2012 में 10.29 मिलियन थे, वो घटकर 9.06 हो गए, तो इनकी परसेंट ग्रोथ रिडक्शन वो रही -12.03। मिथुन फ्रेंड्स जो कि 0.30 मिलियन थे, वो बढ़कर 0.38 मिलियन हो गए 26.66% की ग्रोथ के साथ। या जो कि जम्मू में पाए जाते हैं, वो 0.08 मिलियन थे, जो घटकर 0.06 मिलियन रह गई, इसमें 25% की रिडक्शन देखी गई ग्रोथ में। हॉर्स एंड पोनीज में काफ़ी कमी आई है ग्रोथ में, लाइक
वो पहले 0.63 मिलियन थे, अब वो घटकर 0.34 मिलियन रह गए। म्यूल जो यूपी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वो पहले 0.20 मिलियन थे, अब घटकर 0.08 मिलियन, मीन्स 57% की ग्रोथ रिडक्शन हुई इसमें। डंकीज जो पहले 0.32 मिलियन थे, अब घटकर 0.12 मिलियन रह गए, जिसमें नेगेटिव 61% जो ग्रोथ है रिडक्शन रही। कैमल जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वो 0.40 मिलियन थे, अब घटकर 0.25 मिलियन रह गए। जो टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो 2012 में वो थी ये 512, मतलब 512.06 मिलियन, जो कि बढ़कर 535.78 मिलियन हो गई, जिसमें ओवरऑल जो ग्रोथ है पॉपुलेशन लाइफ स्टॉक की 4.63। इस स्लाइड में फ्रेंड्स हम रोल ऑफ लाइफ स्टॉक इन इंडियन इकोनॉमी वो पढ़ेंगे। लाइफ स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में, लाइक 20.5 मिलियन पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइफ स्टॉक से जुड़े हुए हैं। लाइफ स्टॉक की अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें जीडीपी में, तो 4.11% जीडीपी में है कंट्रीब्यूशन, एंड एग्रीकल्चर जीडीपी में 25.6%, मीन्स 1/4 जो कंट्रीब्यूशन है वो लाइफ स्टॉक का है। रिसोर्सेज वाइज अगर मैं बात करूँ लाइफ स्टॉक की, तो इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है वर्ल्ड में? इंडिया के पास हाईएस्ट लाइफ स्टॉक एसेट है, जो 2019 में अभी हमने पढ़ा है डाटा, 535.78 मिलियन रहा। और बफेलो पॉपुलेशन में वो इंडिया पहले नंबर पे है, गोट पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे है। पोल्ट्री मार्केट की बात यहाँ हुई है ना कि पोल्ट्री पॉपुलेशन की, उसमें इंडिया सेकंड नंबर पे है। अगर पोल्ट्री की ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें, तो उसमें पहले नंबर पे चाइना है, फिर यूएसए है, और फिर है इंडिया थर्ड में। यहाँ हम पोल्ट्री मार्केट की बात कर रहे हैं, वो है सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फिश के रूप में है, सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर इंडिया के पास है, थर्ड इन पॉपुलेशन ऑफ शिप, शिप की जो पॉपुलेशन उसमें थर्ड रैंक है हमारा, फिफ्थ रैंक है डक एंड चिकन्स में। यहाँ देखिए 2019 में जो पोल्ट्री पॉपुलेशन रही वो 851.81 मिलियन रही, और जो 2012 के सेंसस में ये पॉपुलेशन पोल्ट्री की 729 मिलियन थी। सो 10th इन कैमल पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। अभी का जो सेंसस हुआ है, जो ऊपर मैंने स्लाइड में डिस्कस किया फ्रेंड्स, उसमें पोल्ट्री का डाटा एक्सक्लूड करके मैंने बताया है। इन कंटिन्यूएशन फ्रेंड्स, लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन जो है कैटल अभी डिस्कस किया, वो वर्ल्ड वाइड हम सेकंड रैंक है इंडिया का, बफेलो में फर्स्ट रैंक है, सिप थर्ड रैंक है, गोट जो है सेकंड रैंक है वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन वाइज, पोल्ट्री सेवन्थ है, लाइक हमने पहले डिस्कस किया था पोल्ट्री मार्केट उसमें हम सेकंड थे, और जो 2012 का सेंसस था पोल्ट्री उसमें फर्स्ट चाइना, देन यूएसए, देन इंडिया, अभी हम सेवन्थ हैं। डक एंड चिकन वो हम फिफ्थ रैंक स्टैंड करते हैं। कैमल जो हमारा वर्ल्ड रैंक है इंडिया का पॉपुलेशन वाइज, वो है 10th। नाउ डिस्कस की डिफरेंट जो लाइफ स्टॉक एनिमल्स हैं वो स्टेट वाइज, इंडिया में स्टेट वाइज कौन कहाँ डोमिनेट करते हैं। देन कैटल जो है एमपी में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, बफेलो यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा है, सिप है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, गोट है राजस्थान में, पिग आसाम में, जो हॉर्स है वो सिक्किम में सबसे ज़्यादा है उनकी पॉपुलेशन, म्यूल्स हैं वो यूपी में है, डंकी कैमल ये राजस्थान में है, मिथुन अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, याक जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा होते हैं, जो पोल्ट्री है वो आंध्र प्रदेश में, फिश भी आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रोडक्शन ऑफ लाइफ स्टॉक इन इंडिया इन 2017 एंड 18, सो मिल्क प्रोडक्शन में हमारा रैंक फर्स्ट है इंडिया का, दैट इज़ 176.30 मिलियन टन्स इंडिया प्रोड्यूस करते हैं।
एग्स की अगर बात करें तो उसमें हम थर्ड नंबर पे हैं, फर्स्ट में चाइना, देन यूएसए, देन इंडिया। मीट एंड वूल, मीट में है 7.70 मिलियन टन्स, वूल में 41.50 मिलियन केजी। फिश की अगर मैं बात करूँ, फिश प्रोडक्शन की, फिश यील्ड की, देन उसमें हम सेकंड रैंक है हमारा 12.61 एवरेज यील्ड के साथ में। इस स्लाइड में हम एवरेज यील्ड ऑफ मिल्क इंडिया में कितनी है और स्पीसीज वाइज कंट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। तो एक्जोटिक काउस की जो एवरेज यील्ड है वो है 11.21 केजी पर डे। जो क्रॉस ब्रीड्स हैं काऊ की वो है 7.33 केजी पर डे। जो इंडिजीनियस काऊ हैं, जैसे एक वैरायटी है हरियाणा एग्जांपल, उनकी एवरेज यील्ड है 3.41 केजी पर डे। नॉन डिस्क्रिप्टिव काउस वो काउस होती हैं जिसमें हाईली जेनेटिक वेरिएशन मिलती हैं, उनका हम पेरेंट पता नहीं कर पाते एग्जैक्ट पेरेंट की कौन है। तो उनकी जो एवरेज यील्ड है वो है 2.16 केजी पर डे। इंडिजीनियस बफेलो, उनकी अगर बात करें तो उनकी एवरेज यील्ड है 5.76 केजी पर डे। नॉन डिस्क्रिप्टिव बफेलो, वो ऐसी बफेलो जिनमें हाईली जेनेटिक वेरिएशन है, उनकी एवरेज यील्ड है 3.80 पर केजी पर डे। जो गोट है उनकी एवरेज यील्ड है 0.45 केजी पर डे। अभी जो स्पीसीज वाइज मिल्क कंट्रीब्यूशन है वो इंडिजीनियस बफेलो का सबसे ज़्यादा है, और जो एवरेज यील्ड है वो एक्जोटिक काउ की सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। तो मिल्क वाइज कंट्रीब्यूशन इंडिजीनियस बफेलो में वो 35% है। जो क्रॉस ब्रीड्स एक्जोटिक कैटल्स हैं लाइक करन स्विस है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 26% है। नॉन डिस्क्रिप्टिव बफेलो, उनका कंट्रीब्यूशन 14% है, और जिनकी एवरेज यील्ड हमें डिस्कस की 3.80 केजी पर डे। इंडिजीनियस कैटल, उनका मिल्क कंट्रीब्यूशन 10% है। नॉन डिस्क्रिप्टिव कैटल का भी कंट्रीब्यूशन 10% है। यहाँ याद रखने वाली बात क्या है फ्रेंड्स, एक्जोटिक काउ जिनकी एवरेज यील्ड सबसे ज़्यादा है 11.21 केजी पर डे, बट उनका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है 1%। गोट का एवरेज यील्ड सबसे कम है और उनका मिल्क कंट्रीब्यूशन 4% है। नेक्स्ट स्लाइड, कैटल। इसमें हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ही डिस्कस करेंगे, लाइक की पॉइंट्स क्या हैं। जो लाइफ स्टॉक है फ्रेंड्स, वो उनकी क्लासिफिकेशन दो टाइप से की गई है, रूमिनेंट एंड नॉन रूमिनेंट टाइप। रूमिनेंट वो लाइफ स्टॉक हैं जो खाना खाने के बाद जो जुगाली करते हैं, जो बाद में चीव करते हैं, उनको रूमिनेंट की कैटेगरी में रखा गया है। उसमें काऊ है, बफेलो है, सिप है एंड गोट है। जो पशु जुगाली नहीं करता उसको हॉर्स, डंकी एंड म्यूल, उनके एग्जांपल हैं जो नॉन रूमिनेंट कैटेगरी में आते हैं। एज दे डोंट चीव द कर्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि वो खाना खाने के बाद, घास फूस खाने के बाद जुगाली नहीं करते। स्टमक जो लाइफ स्टॉक है, नॉर्मली उनके स्टमक चार भागों में डिवाइडेड हैं, कैमल के को छोड़ के, एक्सक्लूड करके कैमल के तीन भाग में डिवाइडेड हैं। जो चार भाग हैं वो कौन कौन से हैं, र्यूमन जो कि फर्स्ट चैम्बर है, रेटिकुलम जिसको हनी कॉम्ब भी कहते हैं वो सेकंड चैम्बर है, ओमेसम जो जिसको बुक भी बोलते हैं वो थर्ड चैम्बर है, एबेमेसम जो ट्रू स्टमक है वो फोर्थ एंड लास्ट चैम्बर है। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स, डीहॉर्निंग। डीहॉर्निंग का मीन्स ये है कि सींगों को आने उगने से रोकना। तो वो जो काफ जब छोटे रहते हैं उनकी अर्ली एज में कर दिया जाता है, कास्टिक सोडा के साथ में भी करते हैं, हॉट आयरन रोड के साथ में भी करते हैं, तो ये करते हैं विद इन 1 वीक ऑफ द बर्थ। एवरेज डे की अगर बात करें तो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर डीहॉर्निंग कर देनी चाहिए। कोलोस्ट्रम, फर्स्ट मिल्क भी से बोलते हैं, काफ़ी न्यूट्रिटिव रहता है। लोकल लैंग्वेज की अगर बात करो तो इसको हम खीस भी बोलते हैं, जो 15 मिनट जन्म के बाद छोटे बच्चे को दे दिया जाना चाहिए, यंग काफ को। और एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 2 से 2.5 लीटर पर डे
लगातार काफ को देना चाहिए 3 दिन तक। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेपरेटली हाउस द काफ आफ्टर 6 मंथ। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि विनिंग प्रोसेस। इसमें जो काफ रहता है उसमें जो बछड़ा है उसका माँ से दूध छुटवा के दूसरे खाने की ओर उसको प्रेरित किया जाता है, दैट इज़ विनिंग सेपरेशन। वो 6 महीने के अंदर कर देनी चाहिए। कास्ट्रेट द मेल एट 8 to 9 weeks ऑफ द एज। कास्ट्रेशन का मतलब है कि मेल पार्ट, जो मेल पार्ट होता है उसकी नसबंदी करना। वो मेल में 8 to 9 weeks की एज में कर देना चाहिए। जो जर्सी, जो एक कैटल ब्रीड है फ्रेंड्स, जिसमें हाईएस्ट SNF कंटेंट रहता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। SNF मीन्स सॉलिड नॉट फैट। वो मिनिमम 9.54% है, ये सबसे ज़्यादा है कैटल ब्रीड में जर्सी की। नेक्स्ट स्लाइड, कैटल ब्रीड्स। तो इस स्लाइड में हम कुछ इम्पोर्टेंट कैटल ब्रीड की बारे में डिस्कस करेंगे और उनके होम टाउन के बारे में, कहाँ से वो बिलोंग करती हैं। लाइक अमृत महल, वो कर्नाटका से का उनका होम ट्रेड है। बच्चोर बिहार का, बेग्योर तमिलनाडु, डांगी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, डियोनी महाराष्ट्र और कर्नाटका में, गावलाव महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, गिर गुजरात में, हलिकर कर्नाटका में, हरियाणा जो ब्रीड है वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान में मिलती है, कंगयाम है वो तमिलनाडु में, कनक्रेज है वो गुजरात और राजस्थान में, कनकथा उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में, किल्हर महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में, कृष्णा वैली कर्नाटका में, मालवी मध्य प्रदेश में, मेवाती राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, नागौरी राजस्थान में, निमारी मध्य प्रदेश में, ओंगोल आंध्र प्रदेश में, ओमवार उत्तर प्रदेश में, राठी राजस्थान में, रेड कंधारी महाराष्ट्र की ब्रीड है, साहिवाल पंजाब एंड राजस्थान में। ये कुछ इम्पोर्टेंट ब्रीड ही मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, याद करिएगा। और जो साहिवाल थी वो उनका जो होम ट्रेड है पंजाब एंड राजस्थान तो है, बट ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है। रेड सिंधी है, सीरी है, थार पारकर है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रीड है याद करने लायक। करियर है, लद्दाखी है जो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है, लखीमी है जो आसाम में मिलती है, कोंकण है महाराष्ट्र और उड़ीसा में मिलती है, जो गोवा में भी पाई जाती है। इकोनॉमिक ट्रेड्स, जो बॉडी वेट है, इसमें हम 3 वैरायटीज़ का कंपैरिजन करेंगे, लोकल वैरायटीज़, एक्जोटिक वैरायटी एंड क्रॉस ब्रीड वैरायटीज़। तो जो इम्पोर्टेंट है वही डील करेंगे, इसमें चार्ट में दिया हुआ जरूर पड़ेगा। लाइक एज ऑफ मैच्योरिटी है वो जो लोकल ब्रीड की है वो 33 महीने की है, 33 मंथ्स। एक्जोटिक ब्रीड्स उनकी एज ऑफ मैच्योरिटी है 15 मंथ की, एंड जो क्रॉस ब्रीड है उनकी 18 to 24 मंथ्स की। जो फर्स्ट कावइंग एज है लोकल ब्रीड में 42 मंथ्स, एक्जोटिक में 24 मंथ्स एंड क्रॉस ब्रीड में 30 मंथ्स। लैक्टेशन यील्ड है वो है लोकल ब्रीड्स की एक लैक्टेशन पीरियड में 1200 kg, जो एक्जोटिक की है सबसे ज़्यादा 3000 to 6000 kg और क्रॉस ब्रीड की है 2100 to 2400 kg लैक्टेशन पीरियड। लोकल ब्रीड का है 180 to 210 days, एक्जोटिक ब्रीड्स का लैक्टेशन पीरियड सबसे ज़्यादा है 305 days, क्रॉस ब्रीड्स का 240 to 270 days। जो ड्राई पीरियड है फ्रेंड्स वो लोकल ब्रीड्स में सबसे ज़्यादा है 90 to 120 days, और जो एक्जोटिक में सबसे कम 60 days का, क्रॉस ब्रीड्स में 75 days का। इंटरकाविंग पीरियड है वो लोकल ब्रीड में सबसे ज़्यादा है 18 months, और जो क्रॉस ब्रीड है उसमें 13 to 14 months, और जो एक्जोटिक है उसमें सबसे कम है 12 to 13 months। नेक्स्ट टेबल, इस टेबल, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था। जो एवरेज लेंथ है प्रेगनेंसी का, काउ में 280 days की है, बफेलो में 3 to 20 days की है, 320 दिन की, सीप में 150 days की है, गोट में 150 days की है।
बफेलो। इसके अगर की पॉइंट्स की बात करूँ तो जनाब मुर्रा एक ऐसी ब्रीड है बफेलो की जो वर्ल्ड की बेस्ट ब्रीड है, जिसमें फैट कंटेंट 7.0% तक है, जिसका एवरेज लैक्टेशन यील्ड 1500 से 2500 लीटर्स तक है लैक्टेशन पीरियड में, जिसकी फर्स्ट जो काविंग रहती है वो 45 से 50 मंथ की एज में रहती है कि जो पहली बार जब ये बच्चे को जन्म देती है। बदावरी बफेलो की एक ऐसी ब्रीड है जिसमें सबसे हाई बटर फैट कंटेंट रहता है। और मुर्रा की एक ऐसी बात बताऊँ, इसकी जो होम ट्रेट है मुर्रा की वो हमारे हरियाणा रोहतक की है। जाफराबादी बफेलो ब्रीड में सबसे हैवीएस्ट ब्रीड है। अभी न्यूट्रिएंट कंटेंट वाइज अगर मैं बात करूँ तो मैन्योर वाइज किस में कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे अधिक है, इसमें कंपेरिज चार्ट में कंपेरिजन किया हुआ इस टेबल में कैटल के बीच, सिप, पिग, हॉर्स एंड पोल्ट्री में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इनके बीच कंपेरिजन है। सो नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा वो पोल्ट्री में पाई जाती है, पोल्ट्री मेन्योर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फास्फोरस है वो भी पोल्ट्री में पाई जाती है। पोटेशियम है वो पिग मेन्योर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सल्फर है वो पोल्ट्री में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मैग्नीशियम कैटल और पोल्ट्री दोनों में पाई जाती है, जो बोल्ड वाला पोर्शन है जरूर देखिएगा टेबल में। कैल्शियम है वो पोल्ट्री में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इन कंटिन्यूएशन इस स्लाइड में बफेलो की कुछ ब्रीड देखेंगे और उनके होम ट्रेड के बारे में जानेंगे। जैसे बदावरी है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जाफराबादी है वो गुजरात में पाई जाती है। जाफराबादी जो अभी ऊपर की स्लाइड में बताया कि सबसे हैवीएस्ट ब्रीड है बफेलो की, और जो बदावरी है उसमें हाई बटर फैट कंटेंट रहता है। मराठवाड़ी है ये महाराष्ट्र की ब्रीड है। मेहसाना ये गुजरात में पाई जाती है। मुर्रा हरियाणा रोहतक में पाई जाती है। ये मुर्रा वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बफेलो ब्रीड है। नागपुरी महाराष्ट्र की ब्रीड है। नीली रावी पंजाब की ब्रीड है। पंधारपुरी ये महाराष्ट्र की ब्रीड है। सुरती गुजरात में पाई जाती है। टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। बनी गुजरात में पाई जाती है। चिलिका उड़ीसा में पाई जाती है। कालाहांडी ये उड़ीसा में पाई जाती है। इस फोटो में भी आप देख सकते हैं कुछ ब्रीड हैं, मुर्रा है, नागपुरी है, सुरती है, बदावरी है, मेहसाना है, जाफराबादी है। तो अब एग्ज़ाम में आपको इनके नाम ब्रीड के नाम दे दिए जाएंगे और उनसे पूछ भी लिया जाएगा कि ये किसकी ब्रीड है, बफेलो की, कैटल की, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। या मेहसाना का पूछ लेंगे कि होम ट्रेड क्या है, गुजरात है। तो इस तरीके से सब टेबल्स अच्छे से पढ़ के याद करनी है। इस स्लाइड में हम कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में, बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे जो कैटल बफेलो में आती हैं। इनके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है, वायरल डिजीज़ कौन सी है, मेटाबॉलिक डिजीज़ कौन सी है, जो खाने पीने के दौरान, शारीरिक प्रतिक्रिया के दौरान जो डिजीज़ होती हैं वो मेटाबॉलिक डिजीज़ में आती हैं। पैरासिटिक डिजीज़ कौन सी है, सो पहले डील करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सी है, लाइक एंथ्रेक्स, हिमोरेजिया सेप्टिसीमिया, ब्लैक क्वार्टर, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस जिसमें बच्चे का अबॉर्शन हो जाता है, जोहन्स डिजीज़ या पैराट्यूबरकुलोसिस, काफ स्कार्स, मैस्टाइटिस, ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। मैस्टाइटिस थनों का रोग होता है, थनेला रोग जिसे बोलते हैं। अब वायरल डिजीज़ लाइक फूट एंड माउथ डिजीज़, इन्फेक्टिशियस बोवाइन राइनोट्रेचिट्स, IBR के नाम से जिसे जाना जाता है, ब्लू टंग, ये सब वायरल डिजीज़ हैं। मेटाबॉलिक डिजीज़ लाइक मिल्क फीवर हो गया, ब्लोट हो गया, ब्लोट टिम्पैनी जिसे बोलते हैं, ब्लोट में जैसे गैस बनना, डायरिया, कीटोसिस, पैरासिटिक डिसीज, बोवाइन बेबी सियोसिस जिसे रेड वाटर वाटर या टिक फीवर बोलते हैं, जिसे चिचड़ी के द्वारा जो होते हैं ना, उनके द्वारा जो डिजीज होती है, दैट इज़ रेड वाटर डिजीज, थियोलियोरिसिस, फैसियोलिसिस, जिस भी डिसीज़ के पीछे लियोसिस लगे वो पैरासिटिक डिसीज़ हैं।
एम्पिस्टोमियसिस, ये सब पैरासिटिक डिसीजेज हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट यही है बैक्टीरियल एंड वायरल डिसीजेज, तो इनके नाम पूछ ले जाएंगे और आपसे पूछेंगे ये बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है। नेक्स्ट स्लाइड, इस स्लाइड में हम कुछ भेड़ों की कुछ ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे, सिप ब्रीड के बारे में कुछ पढ़ेंगे, जिसमें इंडिजीनियस सिप ब्रीड कौन सी है, एग्जोटिक कौन सी है। तो इंडिजीनियस सिप ब्रीड और उनके होम ट्रेड, जैसे मचेरी, चेन्नई रेड, रमंदापुरम वाइट, केजर क्रेशल, वेम्बोर, नीलागिरी, ट्रीची ब्लैक, कोयम्बटूर, ये सब तमिलनाडु की कुछ वैरायटी हैं भेड़ों की। डेकनी है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों जगह पर पाई जाती हैं। नेल्लोर जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। याद रखने लायक है कि ये सिप में सबसे टॉलेस्ट ब्रीड है नेल्लोर। मंड्या है वो कर्नाटका की ब्रीड है, ये बेस्ट मटन ब्रीड है। मारवाड़ी है, जैसलमेरी है, ये राजस्थान में पाई जाती हैं। गढ़ी जो जम्मू में पाई जाती है, हिसारडेल जो एक क्रॉस ब्रीड है, और हिसार हरियाणा की नेटिव है, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। बोनपाला है जो सिक्किम में पाई जाती है। चोकला एक ऐसी ब्रीड है जिससे फाइन कारपेट वुल तैयार होते हैं, तो इसलिए इसे फाइन कारपेट वुल टाइप ब्रीड भी बोलते हैं। गंजम है, ये उड़ीसा की है। गैरोल और केंद्रपाड़ा है, ये वेस्ट बंगाल की कुछ किस्म है, इंडिजीनियस सिप ब्रीड है ये। इन कंटिन्यूएशन, एग्जोटिक सिप ब्रीड्स कौन कौन सी है? तीन सबसे मेन है, डॉरसेट जो यूके की मटन टाइप ब्रीड है, मेरिनो जो स्पेन की है फाइन वूल जिससे हम प्राप्त करते हैं, रैम बुलेट जो फ्रांस की क्रॉस ब्रीड है जिससे फाइन वूल तैयार होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जोटिक सिप ब्रीड है। की पॉइंट्स, तो सिप से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं, लाइक ब्रीडिंग जो एज है भेड़ों में सिप्स में वो 6 से 8 महीने की एज में स्टार्ट हो जाते हैं। जो सेकंड पॉइंट, कम्स टू हीट आफ्टर लैम्बिंग, मींस लैम को जन्म देने के बाद, बर्थ के बाद दोबारा कब हीट में आती है, ईव, ईव फीमेल को बोलते हैं, रैम बोलते हैं मेल सिप को, और लैम्ब जो होता है किड सिप होता है। तो कम्स टू हीट आफ्टर लैम्बिंग, ये 21 दिन बाद आती हैं हीट में। जो इनका प्रेगनेंसी टाइम है वो है 147 डेज, ऑन एन एवरेज 150 डेज का रहता है ये। मेल टू फीमेल रेशो, एक झुंड में जो मेल टू फीमेल रेशो है वो 1:20 होना चाहिए, आइडियल है, इकोनॉमिकल है किसी भी झुंड के लिए, लाइक एक रैम 20 सिपों पे होना चाहिए। एस्ट्रस पीरियड रिपीट्स आफ्टर एवरी 16 to 19 डेज इन ईव, इसका ये मतलब कि दोबारा जो हीट वाला प्रोसीजर है वो एक ईव में, फीमेल सिप में 16 से 19 दिन बाद रिपीट होता है। विनिंग, विनिंग में पहली स्लाइड में डिस्कस किया है कि विनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लैम होता है या काफ होता है उसको माँ का दूध छुटवा के दूसरे घास फूस उसको खिलाना स्टार्ट किया जाता है और माँ से दूर किया जाता है, उस प्रोसेस को विनिंग बोलते हैं। तो ये 90 डेज में अंडर नॉर्मल कंडीशन में करना चाहिए जहाँ मिल्क यील्ड सफिशिएंट हो, और 60 डेज में परफॉर्म करना चाहिए जहाँ ये प्रोसेस, जहाँ मिल्क यील्ड इतनी अच्छी ना हो सिप्स में। मैंने इस डेफिनेशन भी बताया है, विनिंग इज़ द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कॉजिंग ए बेबी और यंग एनिमल टू स्टॉप फीडिंग ऑन इट्स मदर्स मिल्क, माँ का दूध बंद कर देना है, एंड टू स्टार्ट ईटिंग अदर फूड, और अदर जो दूसरा फूड है घास फूस वो खिलाना स्टार्ट कर देना है, दैट इज विनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट, किड्स शुड बी डीवॉर्म्ड एट द एज ऑफ 3 months। ये जो डीवॉर्म होते हैं, मतलब पेट के अंदर से कीड़े मारना, वह 3 मंथ की एज में पहला डीवॉर्म कर देना चाहिए, और उसके बाद हर 3 महीने बाद ये दे देनी चाहिए दवाई। ये सिप में भी है, कैटल में भी है, हर उसमें है। कास्टेशन, जो कि इसका हिंदी में अगर मैं बताऊं तो नसबंदी, जो मेल की है वो 2 to 3 months इन यंग किड्स कर देनी चाहिए। ब्रीड्स ऑफ गोट, जैसा कि हमने सिप के बारे में पढ़ा है, भेड़ों के बारे में पढ़ा है, जस्ट लाइक हम बकरियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ इंडिजीनियस और एग्जोटिक वेराइटीज़ की पॉइंट्स। तो कुछ इंडिजीनियस ब्रीड लाइक जमुनापुरी जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, बीटल है बकरी की एक किस्म,
वो जो पंजाब में पाई जाती है, टेलीचेरी है जो करनाल की है, ब्लैक बंगाल है, सबसे प्रोलिफिक ब्रीड है, मतलब एक टाइम में एज़ कम्पेयर टू अदर गॉट ब्रीड उनसे ज़्यादा बच्चों को जन्म देती है, मल्टीपल बर्ड्स। जो इसकी स्किन है उसमें सू मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसकी काफ़ी डिमांड है, ब्लैक बंगाल की। चेगू है जो स्मॉल लोड के लिए लाइक लेह लद्दाख एरिया में काम आती है, पहाड़ी इलाकों में काम आती है। चिटागोंगी है, चंगथांगी है जो कि वार्म डेलिकेट फाइबर जिसे पैसमीना भी बोलते हैं उसके लिए मशहूर है। कुछ एग्जोटिक ब्रीड जैसे टोगनबर्ग है जो नॉर्थ स्विट्ज़रलैंड की नेटिव है, सानेन है जो सानेन वैली और स्विट्ज़रलैंड जहाँ पाई जाती है ये ब्रीड, एल्पाइन नाम से ही हो रहा है कि एल्प्स माउंटेन में ये पाई जाती हैं, न्यूबियन ये नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका की ब्रीड है, एंगोरा ये टर्की और एशिया माइनर की ब्रीड है, एंगोला न्यूबियन ये जर्सी काउ ऑफ द गोट वर्ल्ड, इसको ये भी बोल इसका दूसरा नाम जर्सी काउ ऑफ द गोट वर्ल्ड भी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा की पॉइंट्स। सो पहला की पॉइंट है डिसबडिंग एंड डीहॉर्निंग। जो मेल्स के अंदर है ये 2 से 5 दिन जब जन्म होता है तो 2 से 5 दिन के अंदर कर देने चाहिए, और जो फीमेल्स हैं उसमें आइडियल तो 1 हफ्ते का है, अदरवाइज 10 दिन के अंदर कर देने चाहिए। जो इसमें फीमेल है उसको डॉय बोलते हैं, जो मेल गोट है उसको बक बोलते हैं, और जब जो बच्चे पैदा होते हैं इनके उनको किड बोलते हैं, और शिप के केस में था लैम ईव। तो कास्टेशन ऑफ बक मींस मेल गोट जो 6 महीने ओल्ड एज है जिसकी, उसका कास्टेशन कर देना चाहिए विद द हेल्प ऑफ बर्डीजो इंस्ट्रूमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है फीमेल से रिलेटेड और उससे रिलेटेड, लाइक उनकी जो एज ऑफ पवर्टी है वो 7 महीने पर आती है। फर्स्ट मेटिंग या इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से है, AI से है, वो 8 महीने की एज में होती है। ऑस्ट्रिच साइकिल वो 14 से 21 डेज पर आती है। ड्यूरेशन ऑफ हीट मीन्स वो टाइम जिसके अंदर बकरी सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव कंडीशन में रहती है वो 14 टू 48 आवर्स की रहती है। गेस्टेशन पीरियड वो 145 टू 156 डेज का रहता है, और जो फर्स्ट किडिंग रहती है वो 15 से 17 महीने पर रहती है। बक के कुछ रिप्रोडक्टिव फैक्ट्स हैं, बक मीन्स मेल गोट, लाइक वो कब अटेंड करते हैं पवर्टी एज, 5 to 7 मंथ, और जो सर्विसिंग प्रोवाइडिंग एज है मीन्स वो फीमेल के साथ मेटिंग कब स्टार्ट करते हैं पहली बार, वो 1 साल के बाद 12 मंथ्स के बाद। इस स्लाइड में हम पोल्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पोल्ट्री में 2 मेन टाइप रहती हैं, ब्रॉयलर और लेयर। ब्रॉयलर वो होती हैं पोल्ट्री बर्ड्स जो मीट पर्पज़ के लिए रियर की जाए मीन्स पाले जाए, वो ब्रॉयलर होती हैं। जो एग पर्पज़ के लिए रियर की जाए उसे लेयर बोलते हैं। सो ब्रॉयलर का जो मार्केटेबल एज है वो 6 से 8 वीक का रहता है, और लेयर का जो मैनेजमेंट टाइम या वो है ये 21 से 72 वीक का होता है, 72 वीक्स। ग्रोवर ग्रोइंग टाइम या ग्रोवर पीरियड कौन सा होता है, वो मैनेजमेंट का टाइम रहता है लेयर के अंदर, लाइक 9 to 20 वीक्स, जिसमें चिक्स को रियर की जाती है, पोल्ट्री बर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज़ ग्रोवर टाइम। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, लाइक खड़कनाथ एक ऐसी ब्रीड है जिसे काला मासी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसे, क्योंकि उसके अंदर हाई मेलानिन पिगमेंट कंटेंट रहता है, जो स्किन में हमारी स्किन में जो डार्क कलर रिस्पॉन्सिबल हैं वो मेलानिन के कारण है, और इसी तरह उसमें काला मासी में हाई मेलानिन पिगमेंट कंटेंट रहता है। एक वाइट लेगोन है जो बेस्ट लेयर ब्रीड है, एग लेयर ब्रीड है। जो प्लाइमेथ रॉक है ये भी पोल्ट्री ब्रीड है जो कि ब्रॉयलर ब्रीड है, मीट पर्पज़ के लिए अगर सबसे बेस्ट अगर से पूछी जाए कौन सी है तो दैट इज़ प्लाइमेथ रॉक। एग्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके 4 पार्ट रहते हैं, इसके वेट के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई करेंगे, योक एग सेल सेल मेम्ब्रेन एंड एल्ब्यूमिन। योक वो 33 टू
35% एग वेट का कंट्रीब्यूट करते हैं, एग सेल और सेल मेम्ब्रेन माइनर कंट्रीब्यूशन देते हैं, एल्ब्यूमिन है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एग वेट में 57% के करीब। नेक्स्ट स्लाइड इन कंटिन्यूएशन पोल्ट्री क्लासिफिकेशन। सो चार टाइप की पोल्ट्री ब्रीड्स हैं, एशियाटिक पोल्ट्री ब्रीड, अमेरिकन, इंग्लिश एंड मेडिटेरियन। जो एशियाटिक पोल्ट्री ब्रीड है ये रीजन वाइज की गई है फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन। जो एशियाटिक हैं वो कौन कौन सी हैं, लाइक असील है, असील गेम फाइट पर्पस ब्रीड है फ्रेंड, खड़कनाथ है जिसे हम काला मसी बोलते हैं, गेगस है, चितागोंग है, मिनी है, ब्राउन देसी है, डेनकी है, नेकेड नेक है, ब्रह्मा है, कोचिन है और लेंग हंसन है। सी एशियाटिक ब्रीड है। अमेरिकन में कौन सी आएंगी, प्लाइमेथ रॉक जो बेस्ट ब्रॉयलर ब्रीड है, ब्रॉयलर मीन्स मीट पर्पस ब्रीड है, वैंडोट, रोडेजलैंड है ड्यूल पर्पस ब्रीड, न्यू हेम्पशायर, ये सब अमेरिकन ब्रीड है। इंग्लिश ब्रीड कौन कौन से, ससेक्स है, ऑर्पिंगटन है, एस्ट्रालोप है, कॉर्निस है, ये इंग्लिश ब्रीड है फ्रेंड्स। मेडिटेरियन में आती है लेगहॉर्न, इसे वाइट लेगहॉर्न भी बोलते हैं, जो कि बेस्ट लेयर ब्रीड है, एग टाइप ब्रीड है, मिनोरका है, एनकोना है, स्पेनिश है, अंडालूसियन है। सो ये मेडिटेरियन कुछ ब्रीड्स हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हमने देखी रीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन। इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस चिकन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, मींस उनका पर्पस क्या है, उस बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे। पहले हमने रीजन बेस की, एशियाटिक, अमेरिकन, इंग्लिश एंड मेडिटेरियन। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, मीट टाइप कौन सी है, एग टाइप कौन सी है, ड्यूल पर्पस गेम एंड फैंसी। तो मीट टाइप बर्मा, कॉर्निस, बर्मा फ्रेंड्स एशियाटिक ब्रीड है, कॉर्निस इंग्लिश ब्रीड है, प्लाइमेथ रॉक अमेरिकन ब्रीड है, ये सब मीट पर्पस टाइप है। एग टाइप वाइट लेगहॉर्न, जो मैंने बताया कि सबसे बेस्ट लेयर ब्रीड कौन सी है, वाइट लेगहॉर्न, और ये कहाँ की है, मेडिटेरियन रीजन की। मिनोरका ये भी मेडिटेरियन रीजन की है, एनकोना ये भी मेडिटेरियन रीजन की है एंड एग टाइप है। ड्यूल पर्पस ब्रीड कौन कौन सी है, न्यू हेम्पशायर, रोडे आइसलैंड रेड, ये दोनों ब्रीड अमेरिकन ब्रीड है एंड ड्यूल पर्पस ब्रीड है, मीन्स ब्रॉयलर टाइप मीट पर्पस के लिए भी यूज़ होती हैं और एग टाइप एग पर्पस के लिए भी यूज़ होती है। गेम और फाइट पर्पस ब्रीड वो कौन सी है, असील जो कि एशियाटिक ब्रीड है। फैंसी वेराइटी कौन सी है, बेंटाम्स, फ्रीजल, सिल्की, ये सब फैंसी वेराइटीज़ हैं जो कि एशियाटिक ब्रीड में आती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हर एक कंटेंट को अच्छे से पढ़िए। और आपके बीएससी ऑनर्स 10th के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट।